बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। आज मैं बताऊंगी कैसा रहेगा आपका आने वाला हफ्ता आपकी जन्मतिथि के अनुसार, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। आपको क्या करना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस डेट को टोटल करके एक डेट बनाना है। जैसे कि अगर 22 तारीख को पैदा हुए तो आप 4 मूलांक के बने, अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए तो आप 1 मूलांक के बने। तो शुरू करते हैं 1 मूलांक से, यानी कि अगर आपका जन्मदिन 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को होता है तो कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला हफ्ता 11 से 17 अक्टूबर तक का। तो आपके लिए कैसा रहेगा हफ्ता मूलांक 1 वालों, रिलेशनशिप वाइज आपको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस हफ्ते हो सकता है कि आपकी अपने पार्टनर के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, तो हो सके तो उसको स्टार्टिंग में ही पकड़ लीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम को ज़्यादा ना बढ़ने दीजिएगा। जितना गैप डालेंगे उतनी आपकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। करियर वाइज ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप में करियर में स्टेबिलिटी आएगी और आपके काम जो रुके हुए हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। हेल्थ भी जो आपकी है, थोड़ा सा ज्यादा सोचने के कारण, रिलेशनशिप में तनाव में आने के कारण थोड़ा सा हेल्थ पे अफेक्ट हो सकता है, थोड़ी माइग्रेन सिरदर्द आपको इस हफ्ते हो सकती है। आपके लिए जो लकी डेट रहेगी वो रहेगी 12 अक्टूबर। अब बात करते हैं मूलांक 2 के लिए, यानी कि जिनका जन्मदिन 2 तारीख को होता है, 11 को होता है, 20 को होता है या 29 को होता है, आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। मूलांक 2 वालों, करियर वाइज थोड़ा सा आपको कोई धोखा दे सकता है, किसी नए इंसान पे विश्वास नहीं करना है। जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ ही काम करें, किसी नए को शामिल मत कीजिएगा। जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं कहीं विश्वासघात के चांसेस बन सकते हैं। करियर में ब्लाइंडली आपको किसी पे फेथ नहीं करना है, वैसे जो काम करेंगे अच्छे से करेंगे, सेलिब्रेशन रहेगी, बट थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज आपको करियर में हो सकते हैं। रिलेशनशिप में जो लवर्स हैं उनका आपस में काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, आपके रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो सकते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है। जो शादी रोके के लिए वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है मूलांक 2 वालों। तो ऑल ओवर आपके लिए मिला जुला रहेगा ये हफ्ता, और आपके लिए जो लकी डेट रहेगी वो रहेगी 14 अक्टूबर। अब बात करते हैं मूलांक 3 के लिए, मूलांक 3 वालों, कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला हफ्ता, यानी कि जिनका जन्मदिन 3 तारीख को होता है, 12 तारीख को होता है, 21 को होता है, 30 को होता है, वो मूलांक 2 के बने। आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता मूलांक 3 वालों, कहीं दिमागी तौर पे आपको थोड़ा खुद को रेस्ट देने की ज़रूरत है। आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, आपने अपनों का जो बोझ है वो खुद पे उठा लिया है। इतना ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि जितना आप सोचेंगे उतनी आप अपने पे स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा, आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, सारे घर का बोझ अपने ऊपर उठा लेंगे, अपने आस पास के लोगों की टेंशन भी आप अपने ऊपर ले सकते हैं। तो थोड़ा सा मेडिटेशन में ध्यान दीजिए, जितना हो सके भक्ति में खुद को इन्वॉल्व कीजिए, और हो सके तो सुबह सूर्य को पानी जल जरूर चढ़ाइए, अर्घ जरूर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपको इस हफ्ते आपकी रिलेशनशिप में, जैसे मैंने बोला, तनाव हो सकता है, बट करियर में अच्छा है, कोई आपका जो प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। जो भी काम करें बहुत फोकस के साथ करेंगे आपका काम, और जो भी काम उठाएंगे उसको आप अंत तक लेके जाएंगे। हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, बट ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। आपके लिए जो लकी डेट रहेगी मूलांक 3 वालों वो है 15 अक्टूबर। अब बात करते हैं मूलांक 4 के लिए, मूलांक 4 वालों, आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। ये हफ्ता आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको आपका पार्टनर सपोर्ट करेगा, जो भी आप काम करेंगे आसपास के लोग आपके साथ खड़े होंगे, बड़ों का आपको सपोर्ट मिल सकता है। जो भी डिसीजन आप बहुत अच्छा लेंगे इस हफ्ते, तो कोई बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का टाइम है तो ज़रूर लीजिए, कोई पेपर साइन करने हैं, कोई कोर्ट केस है, कोई नया काम करना है, तो जिसमें साइन सिग्नेचर की ज़रूरत है, जिसमें आपके डिसीजन की ज़रूरत है, ये हफ्ता उन कामों के लिए बहुत ही अच्छा है। और मूलांक 4 वालों, आपके जैसे मैंने बोला रिलेशनशिप अच्छे हैं, नए कॉन्टैक्ट बन सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, और ऑल ओवर आपके लिए हेल्थ के लिए भी यह हफ्ता अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं मूलांक 5 की, मूलांक 5 यानी कि जिनका जन्मदिन 5 तारीख को, 23 तारीख को या 14 तारीख को होता है, उनका जो आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा।
मूलांक पांच वालों, आपके लिए सेलिब्रेशन का टाइम है। आप दोस्तों से मिल सकते हैं, कहीं अनएक्सपेक्टेड दोस्त आपके साथ आ सकते हैं, थोड़े मिलने के जो प्रोग्राम है इस हफ्ते आपके बन सकते हैं। काम आप अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे मन लगा के करेंगे, फोकस्ड रहेंगे, फोकस आपका इस हफ्ते नहीं हिलने वाला है। हेल्थ भी आपकी ठीक चलेगी, आप मनमर्जी से काम करने वालों में से हैं तो आप अच्छे से काम करेंगे, हेल्थ आपका साथ देगी, रिलेशनशिप आपका साथ देंगे, सेलिब्रेशन बन सकती है इस हफ्ते, छोटे छोटे सेलिब्रेशन के आपको मौके मौके मिल सकते हैं। और जो भी काम करेंगे अच्छे से करेंगे, आपका ध्यान अपने काम में लगेगा, ध्यान अच्छा रहेगा। तो मूलांक पांच वालों, आपके लिए जो लकी डेट रहेगी वो रहेगी 16 अक्टूबर। अब बात करते हैं मूलांक छः के लिए, जिनका जन्मदिन 6 तारीख को होता है, 15 का होता है, 24 का होता है, कैसे रहने वाला है आपका आने वाला हफ्ता। मूलांक छः वालों, आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं किसी की, जो लोग आपको नहीं पसंद उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें, क्योंकि किसी की नेगेटिविटी आप रिसीव कर सकते हैं। देखिए, जब आप खुद भी किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या आपके बारे में कोई ज़्यादा बुरा सोचता है, दोनों को वो एनर्जी, ऊर्जा एक दूसरे की इफ़ेक्ट करती है। तो ध्यान दीजिए, अपनी भी सोच लोगों के लिए अच्छी रखिए, या दूसरों की सोच अगर आपके लिए ख़राब होगी वो भी आप पे इम्पैक्ट डालेगी। इस हफ्ते जितना हो सके रोज़ नमक वाले पानी से नहाइए, आपको अपने ऑरा को क्लेंस करने की ज़रूरत है। कहीं थोड़ी आसपास की जो नकारात्मक ऊर्जा आप रिसीव कर सकते हैं, तो थोड़ा जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, दो फीमेल्स की लड़ाई में बिल्कुल मत आए, क्योंकि वो फीमेल नेगेटिविटी आप रिसीव कर सकते हैं। तो जहाँ दूसरों की लड़ाई हो रही है, स्पेशली फीमेल की लड़ाई हो रही है, तो खुद को आप थोड़ा साथ दूर रखिए। काम आपके जो हैं अच्छे रहने वाले हैं, जो आपने काम पकड़े हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर ली है वो अब पूरी होगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज, काम वाइज आपके लिए अच्छा है। कोई फॉरेन से रिलेटेड काम आपका अटका हुआ तो हो जाएगा। आप काफ़ी एक्टिव यानी कि एक्शन में रहने वाले हैं मूलांक छः वालों, और आपके लिए जो लकी डेट रहेगी वो रहेगी 15 अक्टूबर। तो कुल मिला के आपका हफ्ता अच्छा है, दूरी बनानी है तो नेगेटिव लोगों से। अब बात करते हैं मूलांक सात वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। मूलांक सात वालों यानी कि जिनका जन्मदिन 7 तारीख को, 16 को या 27 को होता है, आपको इस हफ्ते जस्टिस मिलने वाला है। मूलांक सात वालों, ये समय है जस्टिस का। जहाँ भी आप सोच डाल रहे हैं आपको वहाँ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जहाँ भी आप एनर्जी डालेंगे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जो काम रुके हुए थे अब वो पूरे होंगे, जहाँ आप कहीं कोई सुनवाई की वेट कर रहे थे वहाँ आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, जहाँ कोर्ट केस अटके हुए थे वहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो ये जो समय है आपको, आपको जस्टिस का टाइम है, यानी कि आपके हक में लोग खड़े होंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपके साथ लोग खड़े होंगे। तो ये हफ्ता आपका अच्छा जाने वाला है, पीसफुल हफ्ता है, कोई प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। बट पैसे कहीं किसी को उधार मत दीजिएगा, पैसों में जो लेन देन से थोड़ा बचिएगा, लेन देन करेंगे तो पैसा वापस नहीं आएगा, पैसों के लेन देन से आपको बचने की ज़रूरत है इस हफ्ते। रिलेशनशिप वाइज आपके पुराने लोग आपको मिल सकते हैं, कोई पुराने दोस्त आपके साथ जुड़ सकते हैं, कोई पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो सकती हैं इस हफ्ते। आपके लिए जो लकी डेट रहेगी वो रहेगी 12 अक्टूबर। अब बात करते हैं मूलांक 8 वालों की, जिनका जन्मदिन 8, 17 या 26 को होता है, उनके लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। थोड़ा सा बंदिशें लग सकती हैं, यानी कि थोड़ा सा आपको रुकावट लग सकती है, आपको लगेगा कि आपके काम जो हैं वो बन नहीं रहे, उनमें रुकावट आ रही है। आपको किस पे ध्यान देना है, अपनी वाणी पे, यानी कि जिस तरह से आप बात करते हैं उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। बहुत हेल्पफुल होते हैं नंबर 8 के लोग, बट आपके कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। आपके काम शुरुआती 3-4 दिन में थोड़े बंदे बंदे रख सकते हैं, अननेसेसरी प्रॉब्लम से आप घिर सकते हैं, बट सेकेंड हाफ में हफ्ते के आपका अच्छा रहेगा, आपके जो काम है वो भी बनने शुरू हो जाएंगे। रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा रहेगा, रोमांटिक पल बनेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, अच्छा समय मिलेगा, लवर्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है, सितारे आपके लव में आपका ज़रूर साथ देंगे। तो रिलेशनशिप वाइज, रोमांस वाइज मूलांक 8 वालों, आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। तो ऑल ओवर आपको लेकिन थोड़ी बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, थोड़ा सा बीपी का कंट्रोल रखिए, थोड़ा पेट बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको इस हफ्ते आ सकती हैं। आपके लिए जो लकी डेट रहेगी वो रहेगी 13 अक्टूबर। अब बात करते हैं मूलांक 9 वालों की, मूलांक 9 वालों कैसा रहेगा आपका आने वाला हफ्ता, यानी कि जिनका जन्मदिन 9 तारीख को, 18 या 27 को होता है, आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा।
नौ वालों, कई प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी लाइफ में वो अब ख़त्म होंगी। थोड़ा सा रिलैक्स का टाइम आने वाला है। जो बहुत तनाव बना हुआ ना लाइफ में, जो लग रहा है यार मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, इतनी क्यों प्रॉब्लम्स मेरे साथ आ रही हैं, थोड़ी राहत मिलेगी इस हफ्ते आपको। तनाव कम होगा, ज़िंदगी में बदलाव आएगा, कुछ चीज़ें आपके हक में आना शुरू हो जाएंगी। आपको ईश्वर के आगे सरेंडर करने की ज़रूरत है। ईश्वर को अपनी प्रॉब्लम सौंप दीजिए, क्योंकि चीज़ें बदलेंगी आपके लिए, पूरी तरह से नहीं बट उसको बदलना शुरू हो जाएगा। जिन भी दिक्कतों में आप फंसे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स में आप फंसे हैं, उसमें शुरुआत हो जाएगी वहाँ से बाहर निकलने की। अपने डर को ज़रा आप थोड़ा सा कम कीजिए, जितना हो सकता है। आपके लिए हनुमान चालीसा करना बहुत अच्छा है, तो रोज़ हनुमान चालीसा करिए। आपके लिए हनुमान जी का पाठ बहुत अच्छा रहेगा, आपको हिम्मत देगा, आप में करेज आएगा, तो आपके लिए हनुमान चालीसा का पार्ट जो है बहुत अच्छा है इस हफ्ते। करियर वाइज आपके लिए जैसे मैंने बोला, जो प्रॉब्लम्स हैं बट थोड़ी कम होंगी सेकेंड हाफ में, तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और फिर आपके लिए कम होना शुरू हो जाएंगी। बट हाँ, आपको जो रिलैक्स ज़रूर होगा, थोड़ा तनाव से आपको मुक्ति ज़रूर मिलेगी इस हफ्ते। रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। आपके लिए जो लकी डेट है वो रहेगी 16th October। उम्मीद करती हूँ ये जो रीडिंग है आपको अच्छी लगी होगी, आपकी मदद आएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।